2022 किसका दोस्तों, आज की मेरी इस चर्चा का विषय है 2022 किसका। हाँ जी हाँ दोस्तों, मैं सनस्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पर्सनल ईयर पे वीडियो बना रहा था, पर्सनल ईयर 4 तक की वीडियो बना चुका हूँ, ये पर्सनल ईयर 5 का वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैं पर्सनल ईयर पे आऊँ सीधा सीधा तो आपको 2022 के बारे में कुछ बताता हूँ। 2022 यानी 3 बार 2 नंबर और टोटल 6 नंबर। चंद्रमा का और वीनस का मानव जीवन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है, अपार्ट किसी भी कंट्री का, चाहे वो रहने वाला हो इंसान, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा से और वीनस से तो प्रभावित रहने वाला है। उसकी पर्सनल ईयर डेट ऑफ बर्थ वगैरह अलग अलग हो सकती है, पर संपूर्ण मानव जीवन पर 2 नंबर और 6 नंबर का प्रभाव देखने को मिलेगा। अब ये नंबर्स क्या बता रहे हैं आपको, ये बता रहे हैं एंटरटेनमेंट ईयर का साल है, यानी बॉलीवुड हॉलीवुड ये चर्चा में रहने वाला है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का साल है। और किसका साल है ये, फॉरेन ट्रेवल का साल है, बहुत ज्यादा फॉरेन ट्रेवल होगी, परफ्यूम्स महंगी वस्तुएं फैंसी आइटम्स इसका साल है, खूब बिक्री बढ़ने वाली इन सब चीजों की, 5-स्टार होटल इनमें दोबारा ग्राहक देखने को मिलेंगे, अच्छे रेस्टोरेंट के बाहर दोबारा वेटिंग शुरू होने वाली है, ट्रेवल तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। मैं इस बात को तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ट्रेवल इंडस्ट्रीज अपने अच्छे दिनों की वापसी की ओर अग्रसर होगी, इकोनॉमी पिकअप होने वाली है, जिसके फलस्वरूप गवर्नमेंट के खजाने द्वारा नए हाई पे आने वाले, यानी जीएसटी और वैट की कलेक्शन बहुत बढ़ने वाली है। ये जो मंदी मंदी शब्द है कहीं खत्म होने वाला है, आपकी अगर लव लाइफ है तो वो भी कहीं ना कहीं कामयाबी होने वाली है। अब चूंकि बात कर रहा हूं सीधा पर्सनल ईयर 5 की, उस पर आता हूं, पर्सनल ईयर 5 की कैलकुलेशन आपके सामने रखता हूं। किसी का डेट ऑफ बर्थ 6/2/1960 की थी सपोज, लेकिन यहां 1960 को हमें भूलना पड़ेगा, या हमें पर्सनल ईयर के लिए 6/2/2022 का टोटल करना पड़ेगा, उसको सिंगल डिजिट में लाना पड़ेगा, जो कि आपका 5 बनता है दोस्तों। अब बात करता हूं सीधा सीधा पर्सनल ईयर 5 में इंसान के लिए क्या संदेश लेके आता है। दोस्तों आपकी नॉलेज और एजुकेशनल फील्ड में एकदम बढ़ने वाली है, यानी कहीं जो रुकी हुई थी ज्ञान की दुनिया से आपकी दूरी अगर, तो वो आप उसके समीप जाने वाले हो। लर्निंग उसका फेस उस व्यक्ति के जिंदगी पे पूरा पूरा प्रभाव डालता है। आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो भी बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि बुध का साल है ना, बुध बहुत चतुर चलाक है, वो पैसा कमाना जानता है, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का दौर आपका वापस आ जाता है। अगर आप अपनी जिंदगी में जॉब, अपनी कंट्री, अपने घर को छोड़ने की सोच रहे थे, ये चेंज का भी साल है दोस्तों, अब ये सब चीजें करने में कामयाब हो जाएंगे। ट्रेवलिंग का साल है, 5 नंबर वाला वैसे ही ट्रेवल को बहुत ज्यादा पसंद करता है, उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग आने वाली है। गुड फॉर पार्टनरशिप, ये साल पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर कुछ भी नया शुरू करने की, वेंचर शुरू करने की सोच रहे थे आप पिछले कुछ समय से, यहां शुरू कर दीजिए, मरकरी का साल है, अब नहीं तो कभी नहीं, मतलब बहुत पॉजिटिविटी एटीट्यूड रखिएगा अपना, और बिजनेस आपके स्टार्ट हो जाएंगे, ना केवल स्टार्ट होंगे अच्छे रिजल्ट भी लेके आएंगे। मीडिया राइटर जर्नलिस्ट इन सब के लिए कोई ना कोई माइलस्टोन आने वाली है। अगर आप इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे और आपका पास पर्सनल ईयर 5 आया है, कुछ ना कुछ अवार्ड रिवार्ड आपके लिए इस इंडस्ट्री में लेके आएगा, अपॉर्चुनिटीज आपके दस्तक देने वाली है, मेमोरेबल रहने वाला है सबके लिए। जिसका भी पर्सनल ईयर 5 है, सभी लोगों को ये साल हमेशा के लिए मेमोरेबल रहेगा, यानी जीवन की गति जो रुकी हुई थी कहीं ना कहीं अपनी स्पीड पकड़ने वाली है। शेयर मार्केट और स्पेकुलेशन की दुनिया से आप जुड़ने वाले हो, एडवेंचरस एक्टिविटीज आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बनने वाली है। दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।